हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं फिर से आ गया हूँ पूर्ण वर्ग लेके, जो कि एक मैं क्वेश्चन बताया था पूर्ण वर्ग का और मुझे लगा कि आप सबको समझ में आ रहा है। ठीक, तो इसलिए मैं एक और लेकर आ गया हूँ। अगर और चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं पूर्ण वर्ग एकदम गहराई तक लेकर जाऊँगा और मुझे उम्मीद है आपको चाहे जितना खतरनाक आ जाए तो आप कर ले जाएंगे। अगर नहीं आता तो कमेंट कीजिए, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा आपको। क्लियर बात हो रहा है ना? ऐसा नहीं है कि मतलब मैं नहीं दूंगा, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा और वीडियो थोड़ा लेट मिल सकता है लेकिन मिलेगा ज़रूर से, ठीक है ना? अब देखिए, जिस जैसे उसमें किए थे आप वैसे सेम इसमें भी करना है। ठीक, अगर वो वाला पार्ट आप नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें और भी गहराई से मैं बताया हूँ बहुत अच्छी तरीके से, इसमें भी वैसे मैं बताऊँगा, देख सकते हैं उसे भी। देखिए क्या करना है इसमें, देखिए 2x² - 7x + 3 = 0 है। तो सबसे पहले हम यक्स यक्स स्क्वायर का गुणांक देखते हैं। तो यक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 से सब में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, यानी कि भाग कर देते हैं। तो जैसे है सब में डिवाइड कर देंगे, 7/2 यक्स धन 3/2 = 0। तो सब में क्या कर दिए हम? 2 से भाग कर दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए यहाँ से 2 काट सकते हैं, बच रहा है क्या आपका यक्स स्क्वायर माइनस 7/2 की यक्स। ध्यान में रखना आप सब अच्छी तरह से कि देखिए 7/2 का यक्स हुआ। अब अचर को एक साथ कर देंगे, चर को एक साथ कर देंगे, तो ये क्या हो गया? चर है, यक्स वाला जो पद होता है वो चर रहता है। अब इधर कर देंगे बराबर के, जब ये देखिए ये प्लस है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का 3/2। इतना तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब क्या करना है आपको, ध्यान में रखना जैसे उसमें किए थे आप सब। देखिए ये जो इधर वाला 7/2 जो है, 7/2 यक्स का गुणांक, पहले यक्स स्क्वायर का गुणांक देखे थे, अब यक्स का गुणांक यहाँ पर कितना है? 7/2। जब 7/2 है इसका गुणा किससे करा देते हैं? हमेशा 1/2 से, सबका गुणा 1/2 से करके स्क्वायर कर देते हैं। अब इसमें करेंगे 7 × 1 = 7 और 2 × 2 = 4, इसका क्या क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा? 7 × 7 = 49 और 4 × 4 = 16। कितना है? 49/16 आया। किसका? यक्स का गुणांक 49/16 आया। अब क्या करते हैं, अब दोनों में हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे यही। ठीक, चलिए जोड़ के देखते हैं। यक्स स्क्वायर माइनस 7/2 का यक्स क्या करते हैं? हमेशा जोड़ देते हैं, 49/16 ऋण, सॉरी बराबर के निशान है तो बराबर के निशान ऋण 3/2, इसमें भी कर देंगे जोड़ देंगे, तो 49/ क्या आ गया? 16 आ गया। क्या आ गया? 49/16 आ गया। ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब आगे देखिए आप सब, ठीक यक्स इसको आप देखिए, यहाँ पर यक्स है तो यहाँ पर लिख देंगे यक्स। चिन्ह किसका है? यहाँ आगे वाला चिन्ह देखेंगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ माइनस लिख देते हैं। 49 है, 49 का हम क्या निकालेंगे? वर्गमूल, जिसे 7/49 होता है तो 7 लिख देंगे, 4 × 16 होता है 4 लिख देंगे, इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। क्यों कर दिए? देखिए यक्स का भी स्क्वायर था और इसका भी स्क्वायर करेंगे तभी तो होगा ना, 7/49 + 4 × 16। क्लियर हुआ होगा आपको। अब देखिए इसका ले लेंगे एलसीएम, तो 16 और 2 का एलसीएम 16 ही होता होगा, 2 × 8 = 16 और 8 का गुणा कर दिया, 8 × 3 = 24, ये तो आपको आता होगा भिन्न। 16 × 1 = 16 आया, तो 49 लिख दो यहाँ पर। क्लियर हो रहा है बात ना? अब क्या करना है आपको, ध्यान में रखना बात कि यक्स माइनस 7/4 का स्क्वायर है बराबर, इसमें से इसको जब घटाएंगे तो 5 × 4 = 9, 4 में से 2 गए 2, तो 25/16 आया। हर बार की तरह इसका भी हम करेंगे वर्गमूल करेंगे पहले, तो जब इसको हटाएंगे स्क्वायर को तो यक्स माइनस 7/4 स्क्वायर में इसको हम लिख देंगे रूट में 25/16। क्लियर हो रहा है बात ना? देखिए स्क्वायर था, जब स्क्वायर हम हटाएंगे तो अंडर रूट में लिख देंगे, और जब अंडर रूट हटाएंगे तो इसका हम वर्ग ज्ञात कर लेंगे, तो यक्स माइनस 7/4 के = 5/5 कितना होता है? 25 होता है और 4 × 16 होता है, 5/4 आया ना। तो एक बार प्लस में आता है और एक बार माइनस में आता है, तो दोनों का हम लिख देते हैं = -5/4। एक बार मैं प्लस में ले लिया और एक बार क्या इसमें ले लिया? माइनस में ले लिया। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। कैसे सॉल्व होगा ध्यान से समझिएगा आप सब। देखिए पहले यक्स का वैल्यू मुझे निकालना है, तो यक्स = 5/4 का है ये है और रीड है इधर, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा, तो 7/4 का इधर कर देंगे और इसको पहले सॉल्व कर लो। यक्स स्क्वायर देखिए हर, देखिए जब हर बराबर रहता है तो ऊपर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो 5 है तो 5 लिख लो, धन 7 है तो 7 लिख लो, और 4 तो एक ही रहेगा क्योंकि हर जब बराबर है तो ऐसे लिख दिया जाता है। और इसमें देखिए 7 है 5, 5 + 5 = 10, 2 = 12, 12/4 और इसमें कर देंगे डिवाइड,
तो हो गया 4 × 3 = 12। यक्स का वैल्यू कितना आ गया है 3। क्लियर। अब ये प्लस वाला आया, अब इधर माइनस वाला भी कैसे सॉल्व कर लेंगे। यक्स का इधर भी वैल्यू जब निकालेंगे तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/4 है ये है। अब देखिए ये -7/4 है ना, जब प्लस उधर जाएगा यानी कि बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस हो जाएगा 7/4। यक्स स्क्वायर, अब देखिए हर दोनों का क्या है, बराबर है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो -5/7/4। अब इसको घटा दीजिए, यक्स इक्वल टू 5 × 2 = 7 = 2/4। अब इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 + 2 = 4, यानी कि 1/2 आया। अतः लिख देंगे, अतः यक्स इक्वल टू 2 माना, 1/2 आया और 3 आया, यही आपका आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, यदि समझ में आया तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में फैला देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है ये क्लियर आपको समझ में आया होगा, यदि ये वाला समझ में कम आया आपको तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहला पार्ट अगर देखेंगे उसको मैं 10 मिनट का लगभग बता रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं, अगर और भी चाहिए आपको तो जरूर बताना, धन्यवाद।